हमारा पैर इसके ऊपर होएगा हमारा पंजा पूरा, ठीक है। ये जो हमारा पंजा बिल्कुल ये देखो खींच के लगाया हुआ है विक्की ने, तो आप भी कभी ये स्पाइक्स, हम जूते के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, स्पाइक्स में भी लेके आएंगे वीडियो को, जूता आप बिल्कुल देखो चेप के लगाओ इसके पीछे, मतलब बिल्कुल टच करके। ये सेकंड शूज भी आप देख सकते हैं कितना एक्सरसाइज कितना हार्ड वर्क करती है, तो आप भी अपने बच्चों को हार्ड वर्क कराए रूटीन में, ये देख सकते हैं। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए बढ़ते हैं फिर पड़ा पैर की, ये आप एक एक्सरसाइज कम से कम भी इसके 20 रैप करें और 3 सेट करें, ये देख सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से। दिखाओ इनको हाथ सीधे करके, ये देख सकते हैं आप ब्लॉक स्टार्ट के ऊपर वर्कआउट, तो हमारा उतना स्पीड स्टार्ट होगा आपका, ये देख सकते हैं। ये देखो दोनों हाथों से आगे लेनी है जंप जितना हो सके, पूरा पैर पीछे जमा के, चलो रेडी गो, ये देख सकते हो पूरा पैर जमा के और आगे पुश करना है जितना हो सके। हम सिर्फ काम कर रहे हैं टेक्निक के ऊपर, टेक्निक अगर जितनी अच्छी होगी तो उतना स्टार्ट बढ़िया होगा। वो ये आप देख सकते हैं जैसे लैंडिंग देखी आपने, ये नहीं कि भाई सीधा मतलब जंप किया और पैरों के लैंड हो गए, पैर आगे निकालने जितना जरूरी हो और उसके तो एक लगाओ, आपको बता रहे हैं कि ये 3-4 बार ये एक्सरसाइज आप देखो ध्यान से कैसे करनी है, कैसे पैर उठाना है, कैसे लैग आगे आएगा और कैसे लैंडिंग। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Hello guys, welcome to my new vlog. So guys, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मेरा पहला vlog है मेरे इस चैनल पर, तो मैं आपको आज ले चलता हूँ जहाँ मैं वर्कआउट करता हूँ, ग्री सेंटर इंटरनेशनल एथलीट ट्रैक। तो आप देख रहे हैं ये उसका रास्ता है, तो लेट्स गो। एज़ यू कैन वॉचिंग गाइज कि हम अपने ग्राउंड पर पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा ना देर करते हुए हम चलते हैं एंट्री गेट पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम पहुंच गए हैं हमारे ग्राउंड के बिल्कुल पास, तो चलिए चलते हैं
तो आप देख सकते हो ये बैडमिंटन हॉल और ये है हमारा ऑफिस और वहाँ है ट्रैक। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा बॉक्सिंग हॉल है और इधर जो गर्ल्स की ट्रेनिंग चल रही है। और वो जो सामने है वो स्विमिंग पूल है जो काफी टाइम से बंद है। और ये आ गया है हमारा एंट्री गेट और ये इधर जो है रनिंग वगैरह के लिए बना रखा है। इन दीवारों पे लगी तस्वीरों को तो आप पहचान ही गए होंगे। इन सभी खिलाड़ियों ने इंडिया और हरियाणा का नाम काफ़ी बार खेलों में ऊंचा किया है। तो फाइनली गाइस हम अपने ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। सामने जेवलिन थ्रो चल रही है और हम आ गए हैं हमारे ग्राउंड पर। इवनिंग में बहुत ही कम बच्चे आते हैं क्योंकि मॉर्निंग में रनिंग वर्कआउट ज़्यादा होता है, इवनिंग में थ्रो का वर्कआउट ज़्यादा होता है इसलिए। तो चलिए चलते हैं, एक राउंड लगा के आते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो इसी के साथ हम एक वॉक ग्राउंड ले रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं कि आज ग्राउंड के अंदर भीड़ बहुत ही कम है। और ये दीपक नेशनल प्लेयर जो स्ट्रेचिंग कर रहा है और आप देख सकते हैं सामने डिस्कस थ्रो और ये रनिंग के बच्चे आ रहे हैं वार्म अप करते हुए। ये वार्म अप चल रहा है इनका, ये 100 मीटर प्लेयर है। और दीपक जो है एक्सरसाइज कर रहा है और राहुल भी एक्सरसाइज कर रहा है और कुछ बच्चे जो है वर्कआउट कर रहे हैं, ये जैसे कि 800 मीटर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सामने थ्रो डिस्कस थ्रो गर्ल्स वर्कआउट कर रहे हैं इवनिंग के अंदर। और इवनिंग के अंदर आज मेरा भी वर्कआउट 20 मिनट रनिंग और नॉर्मल एक्सरसाइज है। तो चलिए करते हैं। तो इसी के साथ चलो ऊपर चलते हैं क्योंकि मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। मैंने सोचा कि ना आपको ऊपर से भी दिखाया जाए कि कैसा व्यू आ रहा है डिग्री सेंटर का। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा जो दिख रहा है और पूरा ग्राउंड जो आप देख सकते हैं। हम थोड़ी और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ऊपर से कैसा व्यू दिखेगा।